नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बयान सामने आया है और कर्नाटक में डेड गोवर की जीवनी कुल वहीं सिलेबस से बाहर किए जाने पर डीके शिवकुमार ने कहा कि देश की राजनीति में अब भावनाओं से तैयार किए जाने वाले मुद्दे नहीं चलेंगे और जनता को असल मुद्दों की समझ है और वह बीजेपी को हराने जा रही है। कर्नाटक में आरएसएस को आवंटित जमीन मामले पर कहा कि यह सब मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और वही इसकी सही जानकारी दे सकेंगे। लेट अस नॉट डिस्कस इश्यूज ऑन इमोशन, लेट अस ओनली डिस्कस इश्यूज ऑन डेवलपमेंट। द इमोशनल इश्यूज डजंट हैव एनी वैल्यू। इंडिया इज ए कंट्री विद डाइवर्सिटी। We don't want to go to any polarization issue. We will leave that chapter to the BJP and they have got the full support. कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार उज्जैन पहुंचे हैं और जहां उन्होंने भगवान काल भैरव के केशव कुमार दर्शन किए और उनके साथ ही वो सुबह भगवान महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हुए। इसके साथ ही स्थानीय सर्किट हाउस पर शहर के कांग्रेस नेताओं ने उनकी अगवानी का स्वागत किया। उज्जैन पुलिस के कंट्रोल रूम पर चल रहा कर्णी सेना का प्रदर्शन पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद समाप्त हो गया है और आपको बता दें इसके लिए 8 दिन का समय मांगा गया है और कर्णी सेना द्वारा महिदपुर थाना प्रभारी दिनेश भोजक को हटाए जाने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से पुलिस कंट्रोल रूम के सामने धरना देकर भूख हड़ताल पर वहीं की जा रही थी और जिसमें कर्णी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर भी शामिल हैं और शाम को दोनों पक्षों के बीच सहमति बन जाने के बाद भी आंदोलन समाप्त कर दिया गया। मिली थी लोग यही सब से कहीं ना कहीं प्रताड़ित है हमारे कार्यकर्ता दूसरे भी और सर्व समाज के लोगों से प्रताड़ित है और सर्व समाज के लोगों ने यहाँ अपनी अपनी प्रताड़नाएं भी बताई कि उनको किस प्रकार से किस व्यक्ति को किस प्रकार से प्रताड़नाएं दी जा रही है। 8 दिन का समय मांगा है। 8 दिन के समय में यदि हमारी बातों को पूरा नहीं करते तो 9वां दिन हमारा है और हमको अब यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। जिससे लड़ाई है जो अन्यायी अत्याचारी कर रहा है उसके खिलाफ वहाँ जाके लड़ेंगे। हमें अगला पड़ाव हमारा मैं थाने में रहेंगे या एक भी साल थाने में रहेंगे कुछ बात करता जी तो जाएगा और कुछ कर रही है। 8 दिन का समय मांगा है। उसमें जो भी लाइन है जो कुछ सस्पेंशन है जिस प्रकार से पाए जाएंगे पहले तो उनको लाइन करेंगे और लगेगा उनको कि सस्पेंशन भी होगा। कर्णी सेना के समस्त पदाधिकारी यहाँ मौजूद है और वो थाना प्रभारी महितपुर के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे आवेदन और जांच के लिए कुछ बिंदु एसपी साहब और हमारे समक्ष लेके आए। उन सारे जांचों को हमने गंभीरतापूर्वक सुना है और बहुत जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमने उनको टाइम दिया है 7-8 दिन के अंदर में कार्रवाई करके जो जांच पे सारगर्भित कार्रवाई है वो की जाएगी। इंदौर में रहने वाले और पारिवारिक कार्य से बाहर गए फार्मासिस्ट के घर को चोरों ने निशाना बनाया और घर का ताला तोड़कर चोर ने अंदर घुसे और घर में रखा सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया और बदमाश जाते वक्त पार्किंग में खड़ी 2 मोटरसाइकिल की चोरी कर ले गए और घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जहां फरियादियों की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और जिसमें बदमाश वारदात को अंजाम देते हुए साफ नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस
आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें इंदौर से खबर है, जहां चोरों ने दबिश दी और चोरों के दबिश के बाद जो है ना घर में वो खाली पड़े घर में उन्होंने चोरों ने दबिश दी, उसके बाद आभूषण नकदी और बाइक की चोरी की। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में जुट चुकी है। परसों रात्रि में चोरी हुई थी उसकी, कल फरियादी नीरज राठौर द्वारा थाने पर सूचना देने पर अपराध कायम किया है, जिसमें दो मोटरसाइकिल और कुछ नकद जनी ताला तोड़कर चोरी हुई है। उसकी एफआईआर होने के बाद में जांच जारी है। सर आसपास सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं और अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक बार फिर रिश्ते ने शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है और यहां एक पिता ने अपनी 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया है और घटना के बाद मासूम की मां अपनी बेटी को पुलिस के सामने लेकर पहुंची, जहां पर पुलिस ने बयान के आधार पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक बार फिर रिश्ते शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपनी 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया और घटना के बाद मासूम की मां अपनी बेटी को पुलिस के सामने लेकर पहुंची, जहां पर पुलिस ने बयान के आधार पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करने शुरू कर दी है। वो और उनके हस्बैंड काफ़ी समय से विवाद के कारण अलग अलग रह रहे थे। 2 दिन पहले 6 तारीख को उनके हस्बैंड जब वो नौकरी पे गई हुई थी तो उनके घर आए और उनकी बेटी को अपने साथ जहां वो रहते हैं वहां घर ले गए थे। महिला ने फिर 2 दिन तक लगातार मशक्कत करने के बाद MIG थाना क्षेत्र की पुलिस की मदद से बच्ची को वापस लिया और अपने घर लेके आई। जब घर लेके आई और अपनी बच्ची के साथ वो बात कर रही थी तो उन्हें पता चला कि बच्ची को इंजुरीज हैं, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं उस पर इंजुरीज थी। माताजी ने बड़ी संवेदनशीलता देखते हुए उससे आराम से पूछा कि क्या घटना हुई है। जब उसने घटना के बारे में पूरा बताया तो उसके बाद वो थाने में आई थी। थाने में जो महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने हेल्प डेस्क में ले जाकर बच्ची से आराम से उसको एक अच्छा एटमोसफियर देकर उससे पूरी घटना के बारे में समझा कि क्या जानकारी है, जिसमें उसने घटना के बारे में बताया। उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद रात भर पुलिस लग के उसमें जो उनके आरोपी जो उसके पिताजी थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देकर जन्मदिन मनाने वाले 2 आरोपियों को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दोनों के वहीं आपको बता दें आरोपियों के पास से लूट का माल पुलिस ने बरामद किया है और दोनों आरोपी पहले भी लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं और पकड़े गए आरोपी आपको बता दें के पास से जन्मदिन मनाने के लिए पैसे नहीं थे और जिसके बाद आरोपी ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया और आरोपी ने लूट हुए चैन सुनार को बेचा था और पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इंदौर में चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देकर जन्मदिन मनाने वाले 2 आरोपियों को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दोनों ही आरोपियों के पास से लूट का माल पुलिस ने बरामद किया है और दोनों आरोपी पहले भी लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं और पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने जन्मदिन मनाने के लिए लूट की घटना को अंजाम दिया था। चार दिन पूर्व राजनगर थाना और जुनेंद्र थाने के क्षेत्र में 2 बाइक वाले लड़कों ने चेन स्नैचिंग करी थी, उनको मुझे सूचना पे पकड़ा है। उनसे
वो चेन जो महिलाओं से छीनी थी उसको भी बरामद कर लिया है। तो उनके द्वारा जो चेन छीनी थी वो सोनी को बेची थी, उसको भी गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। सर पूछताछ में क्या क्या इन लोगों ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए चेन उनको छीन के जन्मदिन मनाया था। अभी तक और कुछ वार्ता थे और पूछताछ चल रही है इसमें, कुछ आपराधिक रिकॉर्ड? हाँ, रिकॉर्ड वगैरह है, इनके पुराने रिकॉर्ड है, यश ठाकुर और रितेश सोनी करके दो लड़के बरामद किया, करीब 50-60 हजार रुपये का ज्वेलरी बरामद करी इनसे। इंदौर में एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ वही एक्सटॉर्शन का केस दर्ज कर लिया है और शिकायत भंवर कुआं थाना पुलिस को मिली है। और पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि पति पत्नी के बीच शादी के बाद से ही अनबन चल रही थी और जिसके कारण दोनों अलग रह रहे थे और पत्नी ने फैमिली कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया था और जिसकी सुनवाई चल रही है। लेकिन अचानक पति राम राजपूत ने पुलिस को अपनी पीड़ा बताई है और फरियादी पति ने बताया है कि पत्नी 6 करोड़ रुपए की मांग कर रही है और गाली गलौज कर मोबाइल पर धमकी दे रही है, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर रही है और साथ ही पैसा नहीं देने से जान से मारने और समाज में बदनाम करने की धमकी दे रही है। थाना भौरकुआं क्षेत्र में एक आवेदक की रिपोर्ट को उसकी पत्नी के विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आवेदक का कहना यह है कि उसका उसकी पत्नी से काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। पत्नी उसकी ललितपुर में है और वहां से जो है फ़ोन पर अश्लील गाली गलौज करती है पति के साथ में और उससे जो है वो तलाक के संबंध में भी इनका प्रकरण चल रहा है, तो उस संबंध में उससे जो है वो 5 करोड़ 6 करोड़ रुपये की डिमांड भी करती है। तो उस गाली गलौज और इस इलीगल डिमांड के आधार पर जो है एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जिसमें विवेचना की जा रही है भौरकुआं पुलिस के द्वारा और विवेचना में जो तथ्य जो चीजें जो साक्ष्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। खबर इंदौर से है जहां एक कलयुगी मां बाप ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने अजन्मी संतान को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि आरोपियों के पहले से ही 3 बच्चे थे और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उन्होंने अपनी चौथी संतान को 7 माह में ही गर्भपात कर उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। एक अनबॉर्न चाइल्ड का शव पड़ा हुआ है, जब वहाँ पर जाके मौके पर देखा तो करीबन ऐसा लगा कि 7 से 8 महीने का या करीबन 6 महीने के आसपास का अनबॉर्न चाइल्ड था जिसको किसी के द्वारा वहाँ पर फेंका गया है, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है प्रीमैच्योर डिलीवरी के कारण। वहाँ पर क्योंकि ये बहुत संगीन मामला है, एक छोटे से बच्चे का जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ उसके साथ ऐसी घटना कारित की गई, तो उस क्षेत्र के सभी CCTV फुटेजेस को खंगालना शुरू किया गया। साथ ही साथ जो सरकारी अस्पताल उस क्षेत्र में आते थे वहां पर कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने जो प्रेगनेंसी का उसमें स्टेटस रखा जाता है कि कितने महीने पूर्ण हो चुके हैं, जिनको इंजेक्शंस लगते हैं, सरकारी जो सुविधाएं मुहैया कराती हैं उनकी पूरी लिस्ट निकाली गई। CCTV फुटेजेस में जहां पर भी ऐसा लगा कि महिला जो है जो गर्भवती दिख रही थी उनको ढूंढने का प्रयास शुरू किया गया, तो सिलिकॉन सिटी में हमें जो उसके माता पिता थे वो मिले। उसे माता पिता के विरुद्ध धारा 312 और 318 के अंतर्गत एक नवजात जो भ्रूण है अनबॉर्न चाइल्ड है उसकी हत्या कारित करने का अपराध पंजीबद्ध किया। पल्ली बहना उत्सव के लिए महिलाओं ने स्कूटी रैली निकाली और गुना विधायक गोपीलाल जाटव जी ने भी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता ने स्वयं स्कूटी चलाकर रैली में हिस्सा लिया। महिला बाल विकास और नगर पालिका ने आज शाम प्रथम अंतरण राशि के कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है, जिसमें नगर पालिका ने शहर के कई स्थानों पर बड़े स्क्रीन लगाकर व्यवस्था की जा रही है और जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर के सामने शास्त्री पार्क, बूढ़े बालाजी मंदिर के सामने कोल्हूपुरा स्कूल, भुल्लनपुरा तिराहा और माता पूरा कैंट प्रमुख है और इसके अतिरिक्त सभी आंगनबाड़ियों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जहां विभिन्न जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। हम सभी बहनाएं सुबह से जल्दी अपने काम के सीओ के फटाफट वो सब एकत्रित हुए और सभी लोगों ने
रैली निकाली उसके साथ वो मुख्यमंत्री लाडली योजना के सभी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, प्रमाण पत्र राशि प्रमाण पत्र। देवास जिले के नेमावर में बाढ़ और आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक हुई और जिसमें संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और बैठक की अध्यक्षता एसडीएम प्रवीण प्रजापति ने की और उन्होंने कहा कि सभी लोगों को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है और संभावित खतरे से निपटने के लिए पूर्व में तैयारी कर लेना जरूरी है और बाढ़ से निपटने के लिए मोटर बोट चालक, गोताखोर, नाव एवं जरूरी सामान की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। जहां बाढ़ के कारण टापू जैसे हालात बन जाते हैं, वहां राशन एवं अन्य आवश्यक जरूरी सेवाएं पहले से ही उपलब्ध कराई जा सके और ताकि किसी भी आपात स्थिति में निपटा जा सके। आपको बता दें कि बैठक में डिस्ट्रिक्ट कमांडो मधु राजेश तिवारी ने, एसडीओपी ज्योति उमट, तहसीलदार राकेश यादव, नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण गोपाल अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज अनुभाग खाती गांव की बाढ़ राहत की बैठक की गई थी जिसमें हमारे खंड स्तरीय सभी अधिकारी सम्मिलित हुए और साथ ही जिला कमांडेंट मैडम तिवारी भी बैठक में उपस्थित रहे और हमें मैडम का भी मार्गदर्शन मिला है और हमने एक कार्ययोजना तैयार की कि पिछले बाढ़ के अनुभव के आधार पर आगामी बाढ़ से कैसे निपटा जा रहे, इसके लिए क्या क्या संसाधन है उनको सही उपयोग किए जा रहे, इससे संबंध में बैठक में सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए और इसकी प्रोसीडिंग भी जारी है। बारिश नहीं हो लेकिन वहाँ से अगर पानी छोड़ा जाता है, जबलपुर बर्गी महिला तरफ पानी गिरता है तो वहाँ से जब पानी आएगा तो वो एक अपने को देखना पड़ेगा और उस चीज़ के हिसाब से भी पूरी प्रिपरेशन रखनी रहे और बाकी तो सर यही पॉइंट था। पुलिस का पूरा आप लोग जानते ही हैं, सभी लोग यहाँ पर तत्पर रहते हैं, सर जिले से भी इसके साथ कलेक्टर साहब आते हैं, बराबर से विजिट करते हैं। आर्थिक हमें खास मदद की जरूरत है, स्पेशली जो लोकल पॉपुलेशन वाली होती है। एक समस्या सबसे ज़्यादा आती है कि हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसका इन्फॉर्मेशन का बहुत अच्छा सिस्टम बना रखे हैं, कंट्रोल रूम से जब वहाँ से पानी छूटेगा तो अपना पता चला है वहाँ से कितना पानी छूटा है, वहाँ से कब तक पहुँच जाएगा, कितना स्तर अपना पानी पड़ सकता है, पहले तैयारी है इसका, तो इन्फॉर्मेशन पर आपको समय से मिल जाएगी। और समस्या ये आती है, हमें पता चल गया कि मान लो 85 फीट पानी बढ़ने वाला है। खंडवा के वार्ड 12 महाराणा प्रताप वार्ड के पार्षद सादिक भाटिया पर भी हमला हुआ है और अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे चाकू से मारा गया है और अगर मैं हटता नहीं तो पेट में चाकू लगता। और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अहमद पटेल, भतीजा सिकंदर और मैं सलीम जावेद व अन्य पर हमले का आरोप है और बता दें कि सादिक बीजेपी समर्थित पार्षद है और निगम चुनाव में अहमद पटेल को 106 वोट से हराया था और इस मामले में कोतवाली टीआई ने भी जांच की बात कही है। हाजी रफीक खोकर के वहाँ खाना खाने की दावत थी मुझे, मैं खाना खाने गया, मैंने हाजी साहब से कहा कि हाजी साहब मेरे हक में आप मदीने जा रहे हो दुआ करना, तो अहमद पटेल और उसका भतीजा सिकंदर सलीम उन्होंने मेरे पे हमला करा, हमला करने के बाद में मेरे को एकदम चाकू निकाला और चाकू निकाल के मेरे ये हाथ पे देख लिया, सोयाब ये मुझे चाकू मारा वही हमारा, कभी मैं हटता नहीं तो मेरी पेट में चाकू लग जाता। अगला इस बात का कि मैं पार्षद बीजेपी का हूँ, उस वार्ड से मैं मुस्लिम वोट से जीता हूँ और वो लोग हारे हैं, अहमद पटेल दो बार का मैं वार्ड क्रमांक 12 महाराणा प्रताप से पार्षद हूँ बीजेपी का और वो लोग वहां से कांग्रेस से अहमद पटेल ने चुनाव लड़ा था और मैंने उसको हराया हूँ। सादिक भाटिया जो पार्षद भी है और वो रोड पर लिखाने थाने पर आए हैं, उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है और उनका मेडिकल परीक्षण कराकर और जो नाम बता रहे हैं मारपीट करने वाले उनके विरुद्ध नगरी परिषद और नगरी में लाडली बहनों की ओर से कलश यात्रा निकाली गई और मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों के खाते में 1,000 रूपए डालने की खुशी में कलश यात्रा निकाली और जिसमें भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नाना लाल अटोलिया ने वहीं लाडली बहनों को हार और फूल से स्वागत कर नगर
नगरी में कलश यात्रा निकाली और जिसमें उपस्थित नगर परिषद अध्यक्ष संगीता बाई धाकड़ और अध्यक्ष प्रतिनिधि घनश्याम जी बगड़, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और नगर परिषद कर्मचारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहनों का ढोल ताशों के साथ स्वागत किया गया और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के राशि 1000 से बढ़ाकर 3000 तक करने की बात कही है, जिस पर उपस्थित लाडली महिलाओं ने तालियां बजाकर स्वागत किया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आर्थिक सहायता राशि सीधे खाते में अंतरित की। आपको बता दें कि इससे गांव लाडली बहना के लिए वहीं सागर किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए सोसाइटी केंद्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और ऐसा ही मामला सागर जिले के रहतगढ़ ब्लॉक के सीहोर कृषक सहकारी सोसाइटी में भी देखने को मिल रहा है और इस सोसाइटी के प्रबंधक देशराज लोधी और उनका बेटा मिलकर इस सोसाइटी का कई सालों से संचालन करते आ रहे हैं और हर बार प्रदेश के अन्नदाताओं को अपनी फसल बेचने के लिए रिश्वत और अभद्र व्यवहार का सामना भी करना पड़ता है और मामले में सिहोरा सोसाइटी के प्रबंधक देशराज लोधी और उसके पुत्र पर 11 लाख रुपए के गबन का एफआईआर दर्ज है और इसके अलावा 2021 में इनके ही सोसाइटी में यूपी की नौ गाड़ियों में से गेहूं जब्त किया गया था और जिस पर सोसाइटी प्रबंधक और अन्य 9 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी और इन सबके बाद भी सोसाइटी का संचालन धड़ल्ले से कर रहे हैं और जिसको लेकर सिहोरा ग्राम पंचायत के सरपंच उदय घोषी ने कड़े शब्दों में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है। बीस की घटना है जो कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा कांड हुआ था गेहूँ उपार्जन केंद्र में। लगभग हम उसमें 20 आदमों के 9 आदमों के नाम दर्ज रिपोर्ट की और 20 आदमों के वाहन वगैरह पकड़े गए थे। उत्तर प्रदेश लाया हुआ गेहूँ था। कौन सी समिति थी ये? सिहोरा सोसाइटी समिति से। उसी में 4 केंद्र की मतलब सब समितियों का इसमें गमन था। ठीक है, सबके ऊपर FIR दर्ज है और सभी मुलजिम है। पुलिस प्रशासन को इतना दबाव है कि वो चालान फीस नहीं कर रहे हैं। 3 साल हो गए, उसमें 3 आदमों की जमानत भी हुई है माननीय हाईकोर्ट न्यायालय से और मतलब कोई उसमें दबावश उसको चालान फीस नहीं दिया जा रहा है और इतना घोटाला होता है उसी को मूंग का केंद्र दे देते हैं। हर बार की तरह अभी चना का केंद्र भी जनता आज जो मेरे पास आ रही है समिति प्रबंधक के विरोध में, मैं उसके लिए मीडिया का सहारा लेना चाहता हूँ। जैसा कि समिति प्रबंधक देशराज सिंह, सबसे पहले इनके लड़का है जो रविशंकर, उसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय जी ने अभी सस्पेंड किया है दुकान से सस्पेंड किया है तो वो दुकान उसकी नष्ट हो चुकी है क्योंकि ये कालाबाजारी कर रहा है। और दूसरा ये है कि एक किसान का 17 बोरी गेहूँ 4-5 साल पहले इसने चोरी की थी गेहूँ की और उस पर FIR भी है। उस FIR पर आज दिनांक तक मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।